हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और उसका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इस क्वेश्चन में कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो स्टार्ट करते हैं। 7x² + 2x - 1 = 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर में जो विदाउट एक्स नंबर है कांस्टेंट, उसको इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे। 7x² + 2x एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू -1, दूसरी साइड पे जाकर +1 हो जाएगा। अब हमने सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर है उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए जो उसके साथ वेरिएबल कांस्टेंट है उसको कॉमन निकालेंगे, यानी 7 कॉमन आएगा और ब्रैकेट में हमारे पास रिमेनिंग जो पार्ट है वो x² + 2x/7 7 शिफ्ट होगा इक्वल के दूसरी साइड पर। x² + 2x/7 = 1/7। यहां पर x² को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस 2 इनटू फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म और इक्वल की दूसरी साइड पर 1/7 प्लस यहां पर भी स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म हम ऐड करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड है ये। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इनटू फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। सेकंड टर्म को हम देखेंगे कि क्या सेकंड टर्म आएगी। न्यूमरेटर में जो 2x पड़ा है वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है और यहाँ पर हमें सिर्फ 1/7 चाहिए ताकि 2x/7 हमें मिल सके और सेकंड जो स्क्वायर है वो 1/7 आएगा और इसी तरह से इक्वल की दूसरी साइड पर भी। जी, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया है x + 1/x (1/7) = 1/7 + (1)(1)/7) = 49। यहां पर अब हम ऊपर वाले स्टेप्स को इरेज करके इसको आगे करेंगे। यहां पर हमें जो इक्वल की दूसरी साइड पर है यानी राइट साइड पर उसको हम सॉल्व करेंगे। x + 1/7² एज इट इज लिखा जाएगा इज इक्वल टू 1/7 और +1/49 का एलसीएम हमारे पास 49 आएगा और यहाँ पर फर्स्ट जो 1/7 है उसका डिनोमिनेटर डिवाइड होगा 49 के साथ। इसको हम रफ वर्क में डिवाइड करेंगे तो 7 × 7 = 49 हमारे पास जो आंसर है 7 आएगा। 7 जो आंसर आया है इसको हम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 × 7 प्लस 49 और डिनोमिनेटर जो एलसीएम दोनों सेम है इसलिए न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा यानी 1। जी, यहां पर फिर से x + 1/7² को एज इट इज लिखेंगे और 7 + 1 = 8/49। इसके बाद हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स x + 1/7²
और इसके ऊपर क्यूब आएगा ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पर स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा तो रिमेनिंग पार्ट है x प्लस 1 ओवर 7, और राइट साइड पर 8 के ऊपर हम क्यूब अलग कर लेंगे और 49 पर जो डिनोमिनेटर में है वो अलग कर लेंगे, और x प्लस 1 ओवर 7 हमारे पास आएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस। जब हम स्क्वायर रूट्स को ऑन बोथ साइड्स कैंसिल करते हैं, स्क्वायर रूट कैंसिल होता है तो राइट साइड पर जो टर्म पड़ी होती है उसके साथ प्लस माइनस आता है। हमने 8 के फैक्टर्स 2 × 2 × 2 लिखे हैं अंडर रूट में, और 7 का स्क्वायर यानी 49 की जगह पर हम स्क्वायर ऑफ 7 हमने लिखा जी। अब x प्लस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पर जो 3 2s हैं उनमें से जो 2 2s हैं उनका हम स्क्वायर रूट बना लेंगे, स्क्वायर बनाएंगे ओवर 7 का स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, 7 विदाउट स्क्वायर रूट आ जाएगा, 2 का स्क्वायर भी कैंसिल कर दिया। x प्लस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस, हमारे पास 2 जिसका स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ है वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा और 1 2 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा ओवर 7। अब यहाँ पर हम जो x के साथ 1 ओवर 7 प्लस हो रहा है उसको इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे, इधर प्लस है उधर जाके माइनस 1 ओवर 7 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस 2 × 2 × √2 ओवर 7। यहाँ पर दोनों टर्म्स जो हैं इनका एलसीएम 7 आएगा। व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम, जो ऊपर टर्म्स हैं वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सो माइनस 1 प्लस माइनस 2 × √2 हम लिखेंगे, और उसके बाद हमारे पास सॉल्यूशन सेट है माइनस 1 प्लस माइनस 2 × √2 ओवर 7 होल ओवर 7, और ये हमारा सॉल्यूशन सेट है x की वैल्यू जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला या मेथड जो है वो सेम होगा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे 3x² प्लस 7x इज इक्वल टू 0 जी। यहाँ पर सिर्फ x² और x वाली टर्म्स हमें गिवन है, लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हम 3 को कॉमन निकालेंगे तो रिमेनिंग पार्ट x² प्लस 7 ओवर 3 यहाँ पर आएगा, क्योंकि 3 हमने कॉमन निकाला है इसलिए 3 को ब्रैकेट के अंदर 7 और x के नीचे डिवाइड करना पड़ेगा जी। यहाँ से 3 शिफ्ट होगा इक्वल की दूसरी साइड पर, वहाँ पर जाकर ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये 0 हो जाएगा। x² प्लस 7x ओवर 3 इज इक्वल टू 0 जी। अब यहाँ पर हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस 2 × 1st term × 2nd term प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म प्लस 0 इज इक्वल टू 0, और प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म इक्वल की दूसरी साइड पर भी हम स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म लिखते हैं जी। सबसे पहले x आएगा स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, और 2 × 1st term × 2nd term सेकंड टर्म 7/6 आएगा, क्योंकि 7x ओवर 3 लाने के लिए हमें 7 ओवर 6 लगाना पड़ेगा। इसी तरह से 7 ओवर 6 हम लगाएंगे स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म में भी और इक्वल की दूसरी साइड पर भी। स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म को आपको समझने की ज़रूरत है,
जी ये स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है और x प्लस 7 ओवर 6 होल स्क्वायर बनेगा, यानी जो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म है और स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म है उनको मिलाकर हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे और प्लस साइन के साथ। इक्वल की दूसरी साइड पर जो 7 ओवर 6 है वो एज इट इज आ जाएगा स्क्वायर की फॉर्म में। जी अब हम इसको स्क्वायर रूट लेंगे इसका ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स x प्लस 7 ओवर 6 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट और इक्वल की दूसरी साइड पर भी हम स्क्वायर रूट लेंगे 7 ओवर 6 होल स्क्वायर। जी स्क्वायर रूट बोथ साइड्स पर कैंसिल होंगे और रिमेनिंग पार्ट्स हैं x प्लस 7 ओवर 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 ओवर 6। जी अब यहां पर हम 7 ओवर 6 जो लेफ्ट साइड पर लिखा है उसको इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए। ये उधर जाकर माइनस 7 ओवर 6 हो जाएगा और प्लस माइनस 7 ओवर 6 एज इट इज आएगा। अब हम यहाँ पर दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालेंगे, 6 आएगा एलसीएम और न्यूमरेटर्स एज इट इज आ जाएंगे माइनस 7 प्लस माइनस 7। यहाँ पर हम इनको सेपरेट कर देंगे प्लस और माइनस वाली वैल्यूज, x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 7 ओवर 6 और x इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 7 ओवर 6। हमने प्लस और माइनस की वैल्यूज को अलग अलग किया है, x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 7 तो हो जाएगा 0 0 ओवर 6 और x इज इक्वल टू दूसरी साइड पर माइनस माइनस 7 जो है वो माइनस 14 ओवर 6 आएगा। अब यहाँ पर तो 0 डिवाइडेड बाय 6 विल बिकम 0 और यहाँ पर हम 14 और 6 को कैंसिल करेंगे बाय डिवाइडिंग देम बोथ 2 2 7s are 14 एंड 2 3s are 6। सो x की वैल्यू यहाँ पर आएगी माइनस 7 ओवर 3। हेंस द सॉल्यूशन सेट विल बी रिटन एज, इसको इस तरह से लिखेंगे 0 कॉमा माइनस 7 ओवर 3 ब्रैकेट क्लोज इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। जी ये है सॉल्यूशन सेट बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर।